आपके पास इन्फिनिक्स का कोई भी मोबाइल है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है और रीस्टार्ट भी हो जाता है। जब आप उसे चलाते हैं तो ऑटोमेटिक तो स्विच ऑफ हो रहा है और ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट होकर ऑन हो जाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन्फिनिक्स के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसका। तो सबसे पहले मैं 3 रीज़न आपको बताऊंगा, 4 भी रीज़न बता सकता हूँ और वहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे फर्स्ट का जो रीज़न है वो ये है कि आपको अदर ब्रांड का चार्जर यूज़ नहीं करना है अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल में, ठीक है। सबसे पहले ये, दूसरा ये कि आपको चार्ज करते समय, फ़ोन को चार्ज करते समय या फिर यूज़ करते समय जब हीट हो फ़ोन, तो आपको उसका बैक कवर जो होता है वो आपको निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है, बैक कवर उसका आपको निकाल देना है, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा ये रियलमी का फ़ोन है, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये तरीका है इन्फिनिक्स के फ़ोन में काम करेगा 100%, ठीक है। तो आपको दूसरा काम ये करना है। तीसरा ये कि आपके फ़ोन की जो बैटरी होती है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है, इसलिए भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होगी, ठीक है। चौथा ये है कि फ़ोन को कभी भी आप चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ पे गर्मी हो वहाँ पे फ़ोन को चार्ज मत कीजिए, कूलर चला लीजिए, पंखा चला लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका फ़ोन ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगा। और बहुत से मैंने ऐसे यूट्यूबर भी देखे हैं जो गेमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो यूट्यूबर भी नहीं है, नॉर्मल हैं, व्यूअर हैं हमारे, तो वो भी क्या करते हैं फ़ोन को चार्ज करते हैं, एयरफोन भी लगा लेते हैं, गेमिंग भी कर रहे हैं, कॉलिंग भी चल रही है। तो भैया वो फ़ोन है ना कि कोई बहुत बड़ी मशीन जो सारे काम कर दे आपकी, ठीक है। 4-5 चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हैं तो फ़ोन डैमेज होगा ही और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेटिंग होती है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होने की, हीट पकड़ेगा तो, ठीक है। तो ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। नंबर फर्स्ट ये है कि आपके अपने फ़ोन को सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है। तो आपको सबसे पहले फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है। वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे आपको सर्च करना है सॉफ्टवेयर या सिस्टम अपडेट, ठीक है। इसमें यहाँ डाल देता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो आपके फ़ोन को सबसे पहले अपडेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपके फ़ोन के अंदर ये ऐप एक शो होगी जिसका नाम होता है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लोगो दिखेगा, ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं, इसी लोगो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा प्ले प्रोटेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्किन का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको स्किन करना है और यहाँ पर जो भी है स्किन करेंगे आप उसमें हार्मफुल ऐप होंगे जो फ़ोन को डैमेज कर रहे होंगे, ठीक है, फ़ोन की बैटरी को ख़राब कर रहे होंगे, वो ऐप यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो स्कैन हो रहा है, चलिए यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ जब तक कंप्लीट स्कैन नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं कंप्लीट स्कैन हो चुका है, यहाँ पे कोई भी हार्मफुल ऐप नहीं है। अगर आपके में यहाँ शो हो रहा है तो अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए उसे, ठीक है, ये आपको करना ही करना है। फिर आपको नेक्स्ट अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप डालेंगे शेड्यूल, क्या डालेंगे शेड्यूल, शेड्यूल डालेंगे तो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ की आपको सेटिंग यहाँ शो हो जाएगी। अगर ये सेटिंग आपके में ऑन है तो इसे कर दीजिए यहाँ से बंद, ठीक है, क्या करना है इसे बंद कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको बैक करना है। अब यहाँ पे आपको देखो सर्च क्या करना है, अब यहाँ पे डालना है आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, तो अपने फ़ोन की जो सेटिंग है उसे आपको रीसेट कर देना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको करना ही करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर ही एक सेटिंग्स होती है एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखो देखिएगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन इन्फिनिक्स के फ़ोन में कैसे एनेबल किया जाता है, यूट्यूब पे इसकी ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको उसे एनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो यहाँ पे 3 से 4 सेटिंग होती हैं जो आपको करनी होंगी, जिसे मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं विंडो की 0.5 पे आपको करनी है, ये 0.5 सभी 0.5 एक्स पे कर लेने होंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो यहाँ पे हुआ डोंट कीप एक्टिविटी आप कौन है तो इसे ऑफ कर दीजिए, बैकग्राउंड की प्रोसेस लिमिट है स्टैंडर्ड है इसे भी आप स्टैंडर्ड ही रखिए, ठीक है, ये आपको सेटिंग करनी होगी। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है डिस्प्ले की आपको आपने किसी ऐप को परमिशन तो नहीं दे रखी है, यहाँ डालेंगे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, ये देख सकते, तो यहाँ पे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप की सेटिंग को आप देखेंगे, यहाँ पे किसी ऐप को आपने डिस्प्ले की परमिशन तो नहीं दी है तो आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। ये सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में ज़रूर अप्लाई कीजिए, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, जितने भी ऐप्स हैं उनका आपको लॉन्ग प्रेस करना, दबा के रखना है, ऐप इनपो खुल जाएगी, आप फोर्स स्टॉप करना है,
स्टोर यूज़ पे क्लिक करके क्लियर कैच, और यहाँ से क्लियर डाटा मत कीजिए क्योंकि क्लियर डाटा करने से डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये सेटिंग अगर आप करेंगे उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो ही जाएगी। मोबाइल को एक बार पावर वाले बटन को दबा के मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी जो मैंने आपको तरीके बताए उसी से। अगर फिर भी फिक्स नहीं हो रही है तो ये सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है, आपके फ़ोन में कोई ना कोई कमी है, आप अपने किसी नज़दीकी या फिर कहीं पर केयर पर दिखा दीजिए। वीडियो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।